नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। एडमिशन ओपन, वेलकम यू डीएवी डबवाली सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज ही अपने बच्चे का उज्ज्वल भविष्य करें सुरक्षित। आओ चलो चले डीएवी स्कूल, आपके इलाके में उत्तम शिक्षा देने के लिए हमेशा वचनबद्ध। पता है डीएवी पब्लिक स्कूल, चौटाला रोड, डबवाली। संपर्क करें 9964388833। हरियाणा में कांग्रेस के 9 कैंडिडेट के नाम फाइनल हो गए हैं। हम आपको पूरी लिस्ट बताएंगे पैनल में किस किस का नाम है, लेकिन सबसे बड़ी निगाहें सिरसा पर और कुमारी सैलजा पर टिकी है। सैलजा का 2 सीटों पर नाम है वो रखा गया है और खट्टर के खिलाफ ब्राह्मण कार्ड खेलने की पूरी पूरी तैयारी है। कांग्रेस ने हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल कर दी, यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक संपन्न हो चुकी है। अब केंद्रीय जो एक दल है उसकी बैठक कांग्रेस की होनी है, जहां पर एक एक सीट का एक एक नाम का पूरी डीपली तरीके के साथ मंथन होगा और वहाँ पर सवाल जवाब भी होंगे कि इसको क्यों नहीं, उसको क्यों टिकट दी जा रही है। पूरी सेटिस्फेक्शन के बाद ही आखिरी मोहर लगा दी जाएगी। अब दिल्ली में 6 स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में 18 नामों पर चर्चा हुई है। इस लिस्ट में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का 2 सीटों पर अंबाला और सिरसा सीट पर नाम दिया गया है। हालांकि नामों की घोषणा कब होगी इस पर अभी भी सवाल है। कांग्रेस की मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी बावरिया, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष चरण दास भी मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की करनाल सीट के लिए विशेष रणनीति बनाई है। पार्टी के नेता इस सीट से ब्राह्मण कार्ड खेलने की पूरी योजना बना रहे हैं। हरियाणा में पार्टी की सबसे बड़ी दलित चेहरे के तौर पर कुमारी सैलजा, अंबाला और सिरसा दोनों सीटों से वो लोकसभा सांसद रह चुकी है। सोनिया गांधी की नज़दीकी है, कांग्रेस नेता चौधरी दलबीर सिंह की बेटी है। हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग में 9 सीटों के लिए 18 नामों पर चर्चा हुई है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से सुभाष यादव, कैप्टन अजय यादव, जितेंद्र भारद्वाज का नाम संभावित पैनल में शामिल किया गया। रोहतक सीट से सबसे अग्रणी दीपेंद्र हुड्डा का नाम भेजा गया, उनका लड़ना लगभग तय है। सिरसा से बात करें तो कुमारी सैलजा और उसके बाद चरणजीत सिंह रोड़ी, जरनैल सिंह और शिशपाल का केरवाला का भी जिक्र है। अंबाला से कुमारी सैलजा, विधायक वरुण मुलाना, हिसार से पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश, पूर्व डिप्टी सीएम चंद्र मोहन बिश्नोई, भाजपा छोड़कर आए विजेंद्र सिंह का नाम जो कि हिसार से शामिल है, लेकिन यहाँ पर भी जो कि चौधरी देवीलाल परिवार के बीच में, जो कि चौधरी भजनलाल परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ाने पर भी मंथन हो रहा है, यानी कि चंद्र मोहन पूर्व डिप्टी सीएम का नाम भी शामिल है। वहीं फरीदाबाद से करण दलाल, महेंद्र प्रताप सीएम सिटी करनाल से चाणक्य शर्मा, वीरेंद्र वशिष्ठ, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी और रावदान सिंह का नाम भेजा गया। यहाँ पर भी श्रुति चौधरी का नाम बिल्कुल फाइनल सा लग रहा है। अब 4 अप्रैल को सीईसी की मीटिंग होनी है। हरियाणा की लोकसभा सीटों का पैनल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में चर्चा के बाद पार्टी हाईकमान को भेज दिया गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो 4 अप्रैल को केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, इस मीटिंग में पैनल की संभावित नामों पर आलाकमान अपनी मोहर लगाएंगे। इसके बाद संभावना है कि उसी दिन शाम को या 5 अप्रैल को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पार्टी द्वारा कर दी जाएगी। सीईसी की मीटिंग की पुष्टि हरियाणा पार्टी के प्रभारी बावरिया ने की है। उन्होंने कहा है कि 5 अप्रैल से पहले लिस्टें दी जाएगी। अब हरियाणा कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिस्ट में देरी की पहली वजह यह बताई जा रही है कि पार्टी ने दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव से किनारा जब कर चुके हैं, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी जैसे दिग्गज चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। ऐसे में नए चेहरों को लेकर पार्टी हाईकमान दुविधा में रहा है। दिग्गजों की इसके पीछे की वजह यही है कि हरियाणा के लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का परिणाम हरियाणा में विधानसभा चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। कांग्रेस हाईकमान कह रहा है कि सीनियर नेता लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़े तो विधानसभा फैसला बाद में लिया जाएगा। और हरियाणा कांग्रेस में परिस्थितियां अन्य दलों की अपेक्षा काफ़ी उलट है।
सूबे के नेताओं में गुटबाजी चरम पर। वजह है कि पार्टी में ये दो गुट बने हैं। हाईकमान ने तय किया कि लिस्ट में जितनी देरी होगी विवाद उतना कम होगा। हरियाणा में कांग्रेस की परंपरा रही है कि यहाँ नामांकन दाखिल करने से पहले एक दिन तक प्रत्याशियों के नाम में वो घोषित किए जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चर्चा ये चली है कि सिरसा से सबसे ज़्यादा वेटेज नाम को मिल रही है वो कुमारी सैलजा है, लेकिन कुमारी सैलजा अंबाला से लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में अब कयास सूत्र ये कहते हैं कि लगभग सिरसा से कुमारी सैलजा का चुनाव लड़ना तय है। अगर ये तय है तो फिर अशोक तंवर की मुश्किलें बढ़ सकती है। बहुत बड़ा उनको सीधे तौर पर डेंट पड़ने वाला है अगर कुमारी सैलजा सिरसा में एंट्री लेती है तो। लेकिन अभी इसके लिए आपको 2 से 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर फाइनल होता क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया।